दोस्तों सलाम मसनून। हमारा नारा सबसे चाहत नहीं किसी से नफरत, हमें चाहिए हमेशा खुश रहें, शादमा रहें, फले फूले रहें। परेशान होने से कल की मुश्किल दूर होती नहीं, बल्कि आज का सुकून चला जाता है। आइए अब हम आज की एक अहम खबर पर नज़र करते हैं, अब तबसरा करते हैं। आपका ख्याल क्या है ये बताइएगा, ताकि इस मसले में ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमारे सामने आए और हम ये तय कर सकें कि इस मामले में हमारा क्या रवैया हो सकता है। मुल्क में एक साथ सिविल कोड की ज़रूरत। आईन के आर्टिकल 44 को नाफिज करने का यही सही वक्त, हाई कोर्ट ने कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुल्क में एक साथ सिविल कोड से मुताल्लुक अहम बात कही है। मीना कबाइल की एक खातून और उसके हिंदू शौहर के दरमियान तलाक के मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने यह तबसरा किया। हाई कोर्ट ने कहा कि मुल्क में एक साथ सिविल कोड की ज़रूरत है और उसे लाने का यही सही वक्त है। अदालत ने मरकज़ी सरकार से इस मामले में ज़रूरी कदम उठाने के लिए कहा है। इस केस में शौहर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तलाक चाहता था, जबकि बीवी का कहना था कि उसका मीना कबाइल से ताल्लुक है। ऐसे में उस पर हिंदू मैरिज एक्ट नाफिस नहीं होता। बीवी ने मांग की थी कि उसके शौहर की तरफ से फैमिली कोर्ट में दाखिल तलाक की अर्जी खारिज की जाए। उसके शौहर ने हाई कोर्ट में बीवी की इस दलील के खिलाफ अर्जी लगाई थी। जस्टिस प्रथायम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आज का हिंदुस्तान मजहब जात कम्युनिटी से बालातर हो चुका है। जदीद हिंदुस्तान में मजहब और जातों की बंदिशें तेज़ी से टूट रही हैं। तेज़ी से वाक़या हो रही इन तब्दीलियों के सबब बैनुल मजाहब और बैनुल तबक़ात शादियों और तलाक में दिक्कतें पेश आ रही हैं। फैसले में मज़ीद कहा गया कि आज की नौजवान नस्ल को इन दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसलिए मुल्क में एक साथ सिविल कोड का इतलाक नागुजीर है। आइन की दफ़ा 44 में एक साथ सिविल कोड की जो उम्मीद जाहिर की गई है, उसे अब सिर्फ उम्मीद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। ये बात कही गई है, मगर धीरे धीरे ही ये मुमकिन हो सकेगा। पहले यहाँ रहने वाली अक्सरियत कौम को सिविल कोड बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के दरमियान भी बहुत से कवानीन हैं। हर रियासत में अलग अलग कवानीन हैं। इनमें यकसां नियत को लाने के लिए सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए, उसके बाद मुसलमान, ईसाई और दूसरे मजहब के लोग आ सकते हैं। ज़माने से यकसां सिविल कोड की बात हो रही है, मगर इस सिलसिले में कोई कदम आगे नहीं बढ़ा है। ऐसा ही कहा जा सकता है, जब कोर्ट में कोई मसला आता है और उनमें जब वहाँ रहने वाले जजों को ये बात महसूस होती है कि एक सा सिविल कोड ना रहने की वजह से फैसला देना मुश्किल हो जाता है, तो वो चंद बातें कह देते हैं, बस मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं होती है। यही वजह है कि हम
यकसां सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारे मुल्क को नहीं देखा है। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, वो ये चाहते हैं कि उनके इस्लामी क़वानीन, जो कि तमाम क़वानीन से बेहतर हैं, उन्हें बरकरार रखा जाए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।